में भी कि हर उस नेमत के बारे में सवाल किया जगह तुम्हें तुम्हें दी hmm. ब्रो सबसे बड़ी जो नेमत है ना जो इंसान ज़ायर करता है फारक वक्त और फारक वक्त जो है ना ब्रो उसके बाद में सवाल करेंगे पाँच सवाल तुमसे किए जाएंगे तुम अपने कदम मूव नहीं कर पाओगे जब तक उनका जवाब ना दे दो hmm. और उनमें से एक है तुमने अपनी जवानी किस तरह गुजारी इमेजिन hmm. अल्लाह ताला पूछ लें कि तुमने अपनी जवानी की रातें किस तरह गुजारी यू डूइंग इन नाइट्स एंड इमेजन आपकी बायोग्राफी में लिखा है, किताब hmm. हुआ है

फील कर लिया वो अमा मन खाफा मकाम और रबा नफसी ही वन नफसन हवा यानी जिसने अपने रब के सामने खड़ों से डर गया ना और इमेजिन कर लिया तो आज ना ये इस लेक्चर के बाद ना जरा आधा घंटा या पंद्रह मिनट चले इमेजिन करें क्या के दिन आप खड़े हुए तमाम इंसान फरमाते हैं वकई फतः तकून इन कफर तुम यौमन यज आलुलदान शिबा तो उस दिन तुम कैसे बचोगे उस दिन की से जो बच्चों को बुरा कर देगी हालांकि बच्चे इनोसेंट होते हैं उन्होंने दो कोई गुना नहीं किया इस दुनिया की कोई टॉर्मेंट बता दें जो आजकल के बच्चों को बूढ़ा कर सके दो दो क्या इस दुनिया में पॉसिबिलिटी कोई ऐसी पेनफुल टॉर्मेंट है, दो दो है दो दो जो छोटे बच्चे को बूढ़ा कर दे कोई बीमारी कोई आफत ऐसी नहीं है जो माँ को एक कंपेल या कन्वेंस कर सके बच्चे को फेंक दो ब्रो जितनी बड़ी शोहर की वफ़ात हो जाए पूरा घर जल जाए ब्रो माँ बच्चे को नहीं खाएंगी hmm. दिन माँ बच्चे को फेंक देगी hmm. यानी इतना बड़ा टेस्ट hmm. तो उस दिन हम अपने इन म्यूजिकल आवर्स का इन कॉन्सर्ट्स की टिकट परचेज करने का <laughs> इन कॉन्सर्ट्स में जाके हेड बैगिंग करने का अल्लाह को किस तरह से जवाब देंगे hmm. और अल्लाह के सामने क्या पेश किया अल्लाह यह रीजन थी मैं इसलिए गया था अपने सेल्फ प्लेजर के लिए और शुगर मेले के लिए